हमारे साथ एक खातून मौजूद है जिनका लास्ट टाइम हमने इंटरव्यूज भी किया था। ये एबटाबाद से तशरीफ़ लाई है लाहौर में और माशाल्लाह खूबसूरत नौजवान लड़की है जिन्होंने हमें गुजारिश की कि हम झुकियों में जाएंगे, उनकी हेल्पनेस भी करेंगे और उनसे डिस्कस भी करेंगे, इन्होंने उनका लाइफ स्टाइल भी जो है रिव्यू किया और किस तरह वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैसे गुजार रहे हैं। और सैकड़ों बच्चे जो कि यहाँ पर मौजूद हैं और ख़वातीन भी मौजूद हैं, कैमरा के आउट पे लड़के भी मौजूद हैं जिनकी कुछ इमोशनली स्टोरीज हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इनके साथ डिवाइडेड किया है, बहुत कुछ हेल्प की है। और हम भी मज़ीद देखने वाले नाज़रीन से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनकी हेल्प करें। ये जो एक बहुत ही जो है खुफिया ज़िंदगी गुजार रहे हैं, झुग्गियों में रह रहे हैं, लाइट्स नहीं है, पंखे का इंतज़ाम नहीं है, जिस तरह ये झोंपड़ी में रह रहे हैं और बड़ी खुशी से रह रहे हैं, लेकिन जो इनके दिल के अंदर की बात है वो हम इनसे डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको फ़ील हुआ और आपने क्या किया इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा, आपने माशाल्लाह बहुत ही अच्छा जो है सब्जेक्ट सर अंजाम दिया है, आप इंसानियत के नाम इनके इन तक पहुँची हैं, आपने इनके खाने का रिव्यू किया, इनके बर्तन धोने का रिव्यू किया, किस तरह ये लाइफ गुजार रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि बहुत ही मुश्किल इन लोगों की ज़िंदगी है। यहाँ पे जवान नौजवान लड़कियाँ हैं, बेपर्दा लेटी हुई हैं, इतनी शरीफ ये बच्चियाँ हैं, घरों से बाहर नहीं निकलती और फिर भी इनके घरों की चारदीवारी बिल्कुल भी नहीं है। और जिस वक्त मैं इनके साथ आकर रही तो मैंने देखा कि इनकी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल है। हालाँकि ये बच्चियाँ ना घरों से बाहर जाती हैं, फिर भी ये बच्चियाँ इतनी मुश्किल से सर्वाइव कर रही हैं। और इधर मैंने जिस वक्त आकर बर्तन धोए, इनके साथ मैंने एक दिन गुजारा और मैंने देखा कि ये नहायत ही मुश्किल तरीन हालात में रह रहे हैं। इनके पास सीवरेज का कोई इंतज़ाम नहीं है, पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है, ना बाथरूम है। अब देखें, बाथरूम ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, पानी एक अहम हिस्सा है। ये बेचारियाँ पानी लेने के लिए कितने किलोमीटर दूर जाती हैं और वाशरूम के लिए इन्हें रात का इंतज़ार करना पड़ता है कि किस तरह ये अंधेरा हो और ये किसी दरख्त के पास जाकर बैठे। इतना तो खुदा का खौफ करे कि जितनी वीडियो आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों ने वीडियो ही तो नहीं बनानी होती ना, इन लोगों की मदद भी करनी होती है। देखें ये कितनी मुश्किल, आप एक दिन आके इनके साथ गुजार कर बता दें मुझे कि इनकी मुश्किल ज़िंदगी कितनी ही बदतर है। ये नहीं कि पैसा इनके पास है, सब कुछ इनके पास कुछ भी नहीं है, इनके कारोबार नहीं है, इनके घर में रहना सहना नहीं है, इनके घर में पानी पीने के लिए नहीं है, इनके घर में कुछ ऐसा इंतज़ाम नहीं है कि इनके मर्द काम कर सके। मर्द जब भी बाहर कामों के लिए जाते हैं तो वो इन्हें नशेई समझ के वापस कर देते हैं, इनकी कोई हेल्प नहीं करता। वो यही कहते हैं कि लाहौर में नशा आम है, क्यों ये शक्लों से नशेई लगते हैं, क्यों इनके ये कारोबार नहीं कर सकते, क्या इन्हें पैसा दिया जाए ये बिजनेस नहीं कर सकते। हुनर इन लोगों के पास है, काम ये लोग कर सकते हैं, जो तरीका इन्हें बताएं वो ये कर सकते हैं। इन्हें आगे तो आने दो ना, आगे वो लोग आते हैं जो अमीर हैं, जिनके पास कुछ सहूलतें हैं, उन लोगों को आप लोग आगे लेकर आते हो। जिनके पास हुनर है वो लोग क्यों नहीं आगे आ सकते? सिर्फ मेरा गुस्सा उन लोगों के पास है कि जो यूट्यूबर है, जो आगे इन लोग झुग्गी वालों के साथ फेम हासिल करने के लिए वीडियो बनाते हैं। आपका वीडियो बनाने का भी कोई हक नहीं है जब तक आप इनकी मदद नहीं कर सकते। वीडियो में आप लोग अपने नंबर लगा देते हैं, क्यों आप लोग अपने नंबर लगाते हैं? आप लोग इन लोगों के नंबर लगाएं कि पैसा इन लोगों को मिले, अकाउंट आप लोगों के भरने हो रहे हैं। अब मैंने इन लोगों को मना कर दिया कि कोई भी यूट्यूबर यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए नहीं आएगा, क्यों कि क्यों आप लोगों को फेम हासिल करने के लिए यही लोग गरीब लोग रह गए। जितने ये पस्त हैं, जितने ये गरीब हैं, आप लोगों ने और मिट्टी के अंदर धसा रहे हैं। जितना आप इनको ऊपर लेकर आए, इन्हें कुछ पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं, आप लोग वोटें मांगने के लिए आते हैं, वोटों के लिए इनके दरवाजे खुले हुए हैं और इनकी मदद आप लोग नहीं कर सकते। मैंने अपने हुक्मरानों से, इमरान खान से, नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से यही अपील है कि प्लीज़ अगर मुल्क के लिए कुछ करना है तो पहले इन लोगों को ऊपर उठाओ। जब तक ये लोग ऊपर नहीं जाएंगे आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, आपकी सारी तरक्की इन लोगों की वजह से है। अच्छा मुझे बताइएगा, आप करोड़पति हैं, आपने माशाल्लाह इनका पूरा रिव्यू किया, हम सबसे खुशी की बात यह है कि आपने इनके झोंपड़ी में रात गुजारी है। आप किसी होटल्स में भी रह सकती थी, किसी रेस्टोरेंट में भी रह सकती थी, आप इतनी लग्जरी हैं, तो आपने यही स्टेप क्यों उठाया कि मैं इनका रिव्यू देखूँ, घर बार देखूँ, उठना बैठना देखूँ, तो ये कैसा फील हो रहा है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, झूठ नहीं बोलूँगी। मेरे मुंह के आगे नौकर चाकर हैं, गाड़ियाँ हैं, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, पर इतनी सुकून वाली ज़िंदगी नहीं है। हम लोगों के ज़िंदगी में सारी आसाइशें हैं, हम लोग सुकून में क्यों नहीं है कि हम लोग अपने गरीब लोगों की मदद नहीं कर रहे, हम लोग इनके दुख दर्द नहीं बर्दाश्त कर रहे। सिर्फ मैंने यहाँ पर आकर बर्तन धोए तो मुझे अपनी ज़िंदगी का पता चला कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत आसाइशों में है, मुश्किल तो ये इन लोगों के लिए है। गर्मी में रह रहे हैं, हमारे पसीने देखें निकल रहे हैं, पसीने हम लोगों को आए हुए हैं, ये लोग देखें सारा साल, मतलब 7 महीने ये लोग गर्मी में गुजारते हैं, इनके लिए पंखों का इंतज़ाम नहीं है। वो खुदा के बंदो, खुदारा इनके लिए बिजली का तो इंतज़ाम करो ना, इनके लिए सीवरेज का इंतजाम करो, इनके लिए पानी के नल तो लगा दो ना कि तुम लोगों को भी जन्नत नसीब हो। तुम लोगों के लिए तो जन्नत भी नहीं है कि अगर ये लोग रो रहे हैं। अच्छा अपी तुसी मैनू दसो कौन गल करे?
अम्मा इधर आओ दरमियान। अच्छा तुसी सानू दसो तुहाडे कोल काफी ज्यादा वीडियो बनाने वाले आए ने हजरात, इन्हें तुहाडे की मदद हुई होवे? अगे आए ने ना। अच्छा अगे आए ने साडे कोल वीडियो बनाने वाले, सानू पानी जोगा कुछ 150 नहीं दे गए। अच्छा वीडियो किन्नी बारी बना के ला गए, सानू कुछ भी नहीं दिया। करी आखन तानू राशन देंगे, कपड़े देंगे, कोई शह नहीं लाली दिती सानू गरीबा नू। हैं साडा गरीबा दा की उत्तो साडे लाते कारोबार ते जाने, इन्ना पुलिस दा डंग उच्चा, इन्ना अफसरां ने कीता होया, बादशाहवां ने कीता, गरीबा दे बाल फड़ फड़ के लै जांदे ने, बंदे फड़ फड़ के जनानियां लई जांदे ने। चले नाजरीन, आपने जो भी सिचुएशन सुनी है, और चले एक नौजवान ना है नाजरीन, हमारे साथ एक जवान लड़का मौजूद है जो कि पूरी जो है झोंपड़ी को क्रिएट कर रहा है, हैंडल कर रहा है। हम इनसे बात करते हैं कि आप अपना कोई नंबर शंबर या कोई कॉन्टैक्ट वगैरह देना चाहते हैं तो मुझे बताओ। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बोलो। अस्सलाम वालेकुम, आप हमारे पास मीडिया वाले आए हैं तो अपना बड़ा हमारे हेल्प लिए आए हैं, तो हमारे लिए अच्छा काम करने के लिए आए हैं, तो अभी इसके साथ बात करें। अच्छा नाजरीन इस बात को एंड करते हैं। जायज कैश नंबर मैं बताती हूं, ये इधर 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 इधर। अच्छा मुझे अपना जायज कैश नंबर बताएं, लोग आपसे रابطہ करें। 0322 55 85 630 0322 55 85 630 630। नाजरीन का नंबर चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी चल रहा है, और मजीद आप डिस्कशन करने के लिए हमारे चैनल टीम से भी रابطہ कर सकते हैं। कोई एड्रेस वगैरह पूछना चाहता है और हमारी टीम से भी रابطہ कर सकते हैं, मदद के लिए कुछ भी करने के लिए। चाइना स्कीम का इलाका है तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद होगी कि इनका कुछ ना कुछ सबब बने। हमने भी काफ़ी ज़्यादा अरेंज किया इनके लिए खाने पीने का, लेकिन हम दिखलावा नहीं करना चाहते हैं। तो फिलहाल मुझे इजाज़त दें और मिलते हैं नई वीडियो में। हाफिज़।